खरगोन शहर द्वारकापुरी में नगरपालिका द्वारा निर्माण किया गया नाला रहवासियों के लिए सुविधा के बजाय दुविधा का कारण बन गया है। आधे अधूरे निर्माण के कारण घरों से निकला गंदा पानी निकासी नहीं होने से वापस घरों में पहुंच रहा है, जिससे लोग परेशान हैं। शिकायत के बाद भी निराकरण नहीं होने से नाराज लोगों ने शनिवार को कॉलोनी में इकट्ठा होकर स्थानीय प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया, नारेबाजी कर समस्या से निजात की मांग की। रहवासी दीपक जोशी, भानु परसाई, पद्माकर जोशी, अनिल पाटिल ने बताया कि क्षेत्र में बार बार मांग करने पर नाला तो स्वीकृत निर्माण भी हुआ, लेकिन 80% निर्माण के बाद इसका काम अधूरा छोड़ दिया गया। इसके अलावा कॉलोनी के समीप एक खेत में कॉलोनी निर्माण हो रहा है, जिसके चलते उक्त नाले के पानी का बहाव रोक दिया है। नतीजतन पानी वापस घरों में आ रहा है। जमा पानी मच्छर उत्पादन की फैक्ट्री बन चुका है, लोग बीमार हो रहे हैं। बारिश के मौसम में जल जनित बीमारियां, डेंगू मलेरिया का खतरा बना हुआ है। रहवासियों ने मांग की है कि उक्त नाले के पानी निकासी की व्यवस्था कर निर्माण को पूरा किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। पानी घुस रहा, हम रात रात भर सो नहीं पा रहे, और सब मच्छर डेंगू मलेरिया फैल रहा है। बच्चे गिर जाते तो उनको निकाला, फिर एक दादी गिर गए, फिर करंट भी हो पाए उसमें, करंट आ गया खंबे में भैया, तो बहुत परेशान। और हम 2 महीने से दौड़ रहे हैं, पर कोई कहीं से सुनवाई नहीं हो रही। कौन कौन से नगर पालिका में सीएम हेल्पलाइन पे गए, कलेक्टर ऑफिस गए, 2 महीने हो गए भैया, जन सुनवाई में भी गए। वो बोले कि हम हमारे खेतों तुम्हारे छोटे छोटे घरों के बदले हमारे खेत की क्यों ये करे, बोले हम खेत ऐसा बोले खेत में पानी जाए, पानी क्यों जाने दे हम नाला नहीं जाएगा, बोलो खेत और जमीन वाली। और सीमा चौहान है कि जब से ये पीछे हमारी क्या नाम है रत्नदीप कॉलोनी जो बनी है, इसके बाद से ये नाला नगर पालिका सीएम साहब ने भी पारित किया गया था और आधा 80% बन गया, उसके बाद में ये काम रुक गया है और खेत मालिक ने नाले को पूरी तरह से जेसीबी से बंद कर दिया है। सारा पानी लोगों के घर में भरा रहा है और इससे बीमारियां बढ़ रही है, डेंगू वगैरह सारा मतलब काम, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। इसके बाद में हमने कंप्लेन नगर पालिका में भी दी है, अपने कलेक्टर साहब को भी दी है, सीएम हेल्पलाइन नंबर में 20-25 कंप्लेन डाली है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसके आगे कोई भी हादसा होता है तो इसके जिम्मेदार प्रशासन नगर पालिका रहेगी। क्या नाम है आपका? पद्माकर जोशी। घर के साइड में देख लो, दीवार से 2-2 फीट पानी लगा हुआ है, नाला लबालब भरा हुआ है, छोटे छोटे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, बाल खेलते हैं, उनकी बाल नाले में आती, कोई बच्चा डूब जाएगा तो उसकी जवाबदारी किसकी रहेगी? कल को शिवराज सिंह चौहान बोल देंगे 2 लाख मुआवजा दे देते हम, तो बच्चे की जान की कीमत 2 लाख है कि उनके माता पिता से पूछो कैसे बच्चों को पालन पोषण करते हैं। आपने कोई शिकायत की क्या? हमने नगर पालिका सीएमओ को दिया और कलेक्टर को है तो नाम क्या बोलते हैं जन सुनवाई में भी दिया हमने, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अब आखिर हमको रास्ता एक ही बचा है कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी के नाम से हम पर्सनली अपना आवेदन पत्र देवे, तब जाके हमारी सुनवाई होगी। क्या सीएम हेल्पलाइन पे भी किया? सीएम हेल्पलाइन पे भी है, 181 पे हमने कम से कम 20 कंप्लेंट भेज चुके हैं, लेकिन उसके ऊपर भी कोई सुनवाई नहीं कर रहे, तो हमने जाना। नाला कब से शुरू था बदलू? ये नाला तो वर्षों से चल रहा है, हम जब से यहाँ पे रहने आए तब से हमको 10-15 साल हो गए। कब से बंद हुआ है ये? दो महीना हुआ है इसको। क्या परेशानी आ रही है आपको? नाला लबालब भरा हुआ है, हमारे घरों में पानी घुस रहा है, बदबू इतनी आ रही है, मच्छर इतने पनप रहे हैं, यहाँ पे जीना मुश्किल हो गया है, डेंगू ये मलेरिया अलग फैल रहा है। क्या मांग करते हैं? मिट्टी डाल के बंद कर नाले को, भारत माली ने मिट्टी डाल करके पैक कर दिया है, वो साइड में जो है डॉक्टर के नीमा ने। क्या चाहते हो आप? ये खोला गया नाला, नाला खोला जाए, पानी की निकास शुरू की जाए। क्या नाम है आपका? बीएल वर्मा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।